हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। एंड आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई विश कि आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। सो एवरीवन, मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ 125 एमसीक्यूज क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो क्विकली रिविज़न कराऊँगी, ठीक है? क्विक रिविज़न, तो सारे क्वेश्चन के साथ बने रहिएगा, एंड तक देखिएगा। 125 में 25 प्लस आपको बिल्कुल न्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ओके? 9 जनवरी 2023 को भारत के किस छापा कलाकार की डेथ हो जाती है? ललित मोहन सेन, सनतकर, चंचल बनर्जी या फिर सोमनाथ होर। सनतकर क्यों पॉपुलर हैं? तो ये इंडिया में वुड इंटैग्लियो के लिए पॉपुलर हैं। वह आंदोलन चित्रकार जो जहांगीर के शासनकाल में बने चित्रों के संग्रहकर्ता भी थे। जहांगीर के टाइम ड्यूरेशन के चित्रों के संग्रहकर्ता पैब्लो पिकासो, जॉर्ज सोरेट, रैम्ब्रा या फिर वैन गॉग। सो हियर द राइट आंसर इज सी, रैम्ब्रा। हरेन दास ने अधिकांश किस टेक्निक का डेवलपमेंट किया? तो हरेन दास बेसिकली एचिंग और एक्वाटिंट का भी किए, वुड इंग्रेविंग एंड सेरीग्राफी। सो हियर द राइट आंसर इज डी, सभी टेक्निक्स का डेवलपमेंट करते हैं। वह जर्मन चित्रकार जो सूलीबद्ध ईसा मसीह के शरीर में होने वाली पीड़ा, व्याकुलता एवं आदि को नहीं शो करते थे अपनी पेंटिंग्स में, मैथियास ग्रुनेवाल्ड, पीटर पॉल रबेंस, पॉल क्ले या फिर एडवर्ड अल्बर्ट ड्यूरर। सो राइट आंसर इज ए। एंड द नेक्स्ट वन, किस चित्रकार को 1988 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्मश्री अवार्ड से अवार्डेड किया गया था? पद्मश्री अवार्ड गणेश पाइन, लक्ष्मण पै, विकास भट्टाचार्य या फिर सतीश गुजराल। सो हियर द राइट आंसर इज सी, विकास भट्टाचार्य को 1988 में पद्मश्री अवार्ड से अवार्डेड किया गया था। रामकिंकर बैज के जीवन पर आधारित देखी नाई फिरे फिर मुड़कर नहीं देखा उपन्यास देश में धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ, इसके उपन्यासकर्ता कौन कहे जाएंगे? समरेश बसु, सत्यजीत रॉय, ऋत्विक घटक या फिर राम कुमार। सो हियर द राइट आंसर इज ए, समरेश बसु, ओके? एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस चित्रकार ने समतलीय रूप में टेम्परा टेक्निक का डेवलपमेंट करते हैं? टेम्परा टेक्निक के लिए अवनीनाथ टैगोर, चित्रनाथ मजुमदार, नंदलाल बसु, यामिनी रंजन रॉय। सो हियर राइट आंसर इज डी, यामिनी रंजन रॉय। 50वें दशक के नवीन तंत्रवादी शिल्पियों में से कौन सबसे ज़्यादा पॉपुलर कहे जाएंगे? सनद्दा, जिया संतोष, श्यामला या फिर विमल कृष्ण मतीलाल। तो एक्चुअल में यहाँ पे नवतांत्रिक डिटरमाइंड कर दिया गया, दैट मीन्स कि जी आर संतोष। अपनी मौलिक प्रिंट पर अपने हस्ताक्षर करने वाले कलाकार कौन कहे जाएंगे? विलियम हॉजेस, जेम्स मैकलिन वेस्लर, चार्ल्स डी ऑयली या फिर कार्ल बेकर। सो हियर द राइट आंसर इज बी, जेम्स मैकलिन वेस्लर, ओके? त्रिमूर्ति ऑल्सो कॉल्ड एट महेश मूर्ति, जिसका साइज है 18x24, ऑल्सो दिस स्कल्प्टर डन बाय मटेरियल ग्रेनाइट, ग्रेनाइट में बनाई गई हैं, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सो हियर द राइट आंसर इज सी, एलिफेंटा। एक्सप्रेशनिज्म शब्द का पहली बार यूज कब किया गया था? एक्सप्रेशनिज्म शब्द का पहली बार यूज़ किया गया है 1911 में। वह फ्रांसीसी मूर्तिकार जिन्होंने द थिंकर और द किस एक फेमस स्कल्प्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। द थिंकर ऑल्सो द किस बोथ स्कल्प्चर इज़ अ वेरी पॉपुलर डन बाई ऑगस्ट रॉडिन। तो रॉडिन की ये जो दोनों मूर्तियाँ हैं, इनको मैंने अपने शॉर्ट्स में शेयर किया है, तो आप लोग मेरे शॉर्ट्स देखा करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट्स वाले वीडियोस होते हैं। वो वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ जो एग्ज़ाम में मल्टी टाइम्स क्वेश्चंस पुटअप किए गए होते हैं। 18वीं सेंचुरी के टाइम ड्यूरेशन में इंग्लैंड में नैतिक चित्रों को बनाने की शुरुआत किसने की थी? विलियम होगार्थ ने, ओके? विलियम होगार्थ।
किसके चित्रों का मेन सब्जेक्ट मैटर पुरुषों की समलैंगिकता है? मेन सब्जेक्ट मैटर पुरुषों की समलैंगिकता, गणेश पाइन, भूपेन खक्खर, जी के जी सुब्रमण्यम या फिर KCS पाणिक्कर। सो हियर द राइट आंसर इज बी भूपेन खक्खर। निम्नलिखित में से एक चित्रकार के साथ साथ एक कथाकार कौन कहे जाएंगे? रजा, सोजा, हुसैन या राम कुमार? राम कुमार, ही वॉज ए वेरी पॉपुलर फॉर पॉटरी कथाकार। भारत के एब्स्ट्रैक्ट क्यूबिस्ट आर्टिस्ट भी कहे जाते हैं। नियो प्लास्टिसिज्म का डच चित्रकार कौन है? नियो प्लास्टिसिज्म लाइक उनको डे स्टाइल भी बोला जाता है, जिसके फाउंडर पियत मोंद्रियान हैं। इन्होंने रूस में इस आर्ट मूवमेंट को डेवलप किया। मुंबई के सजेजर स्कूल ऑफ आर्ट में कुछ समय तक चित्रांकन सीखा, फिर रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट में चित्रकला की पढ़ाई पूरी कर एसोसिएट डिग्री प्राप्त करने के बाद नृत्य कलाकार के रूप में कौन सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं उनकी पहचान करनी है आपको? MF हुसैन, तैयब मेहता, गणेश पाइन या फिर उदय शंकर? सो राइट आंसर इज सी उदय शंकर। द थिंकिंग आइज नामक पुस्तक किसकी हैं? द थिंकिंग आइज पैब्लो पिकासो, अरुण बसु, पॉल क्ले या फिर सुनील गुप्त? सो हियर द राइट आंसर इज सी पॉल क्ले। ओके, विस्कोसिटी प्रिंटिंग के लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन कहे गए हैं? विस्कोसिटी प्रिंटिंग के लिए राम कुमार, KG सुब्रमण्यम, गुलाम मोहम्मद शेख या कृष्णा रेड्डी? कृष्णा रेड्डी ने इंडिया में डेवलपमेंट किया है 1950 में, और इन्होंने ये टेक्निक सीखा 1926-27 के टाइम ड्यूरेशन में, कहा जाता है 26-27 सर विलियम हैदर से, इटालियन 17। प्रकाश और ध्वनि मिश्रित 20वीं शती की पश्चिमी शिल्पकला जिसके प्रवर्तकों में अलेक्जेंडर कार्डर व लीन चैंडविक आदि शिल्पी थे, उनकी कला का आपको स्वरूप को डेवलप्ड बताने हैं। सो हियर द राइट आंसर इज सी काइनेटिक आर्ट। बेसिकली काइनेटिक आर्ट क्या होता है, तो फॉर एग्जांपल जिसमें मूवमेंट हो, गति हो, उनको काइनेटिक कहते हैं। अलेक्जेंडर कॉल्डर, ही वॉज द फाउंडर, एंड चैंडविक भी इम्पॉर्टेंट है। नाम गाबो का नाम भी याद रखिएगा, नाम गाबो। इनके साथ ही साथ आपको कुछ सर्टेन आर्टिस्ट और याद रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में अंकित पटेल फेमस हैं और शंखो चौधरी, ये दोनों इंडिया। रवीन्द्रनाथ टैगोर किस रंगों का यूज सबसे ज़्यादा करते थे? टेम्परा कलर्स, खनिज या फिर विंसेंट न्यूमर के बनाए गए कलर्स को? तो इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा विंसेंट न्यूटन के बनाए गए जमे रंगों को यूज़ किया है। ओके, एचिंग इज़ द पार्ट ऑफ इंटैग्लियो। इंटैग्लियो के 7 प्रोसेस होते हैं। तो एचिंग की जो हिस्ट्री है वो ये है कि तांबे के पात्र पर चीड़ की सूखी गोंद लगाकर उस पर धातु की नुकीली सुई से छवि बनाकर एसिड में डुबोकर उस पर पुनः धातु की सुई ताकत लगाकर फेरने के तांबे की धातु के कुछ अंश खुरच कर अलग हो जाते हैं और उस पर गहरी रेखा खुद जाती हैं, उन्हें ही कहा उस छवि को ही डिज़ाइन करना एचिंग कहलाता है। तो ये एचिंग का पूरा प्रॉपर हिस्ट्री टेक्निक्स था। ओके, एंड द नेक्स्ट वन, 1954 के टाइम ड्यूरेशन में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने फ्रांसीसी एकेडमी के आदर्श पर किन संस्थाओं की इस्टेब्लिशमेंट करते हैं? साहित्य नाटक एकेडमी, साहित्य एकेडमी और ललित कला एकेडमी। एंड द नेक्स्ट वन, मुगल तथा यूरोपीय शैलियों के सम्मिश्रण से उत्पन्न शैली को डेवलपमेंट किया जाता है, तो उन शैली को क्या कहा जाएगा? मुगल तथा यूरोपीय शैली के मिक्सचर से कंपनी शैली का डेवलपमेंट होता है, जिसकी खोज 1943 में PC मानक ने किए थे। बर्निंग ऑफ डार्कनेस 1924 कैनवस पर टैंपरा किसका है? बर्निंग ऑफ डार्कनेस, नंदलाल बसु, BC सान्याल, निकोलस रोरिक या फिर रणवीर सिंह विष्ट? सो हियर द राइट आंसर इज सी निकोलस रोरिक। ढलवा धातु से बनी जनजातीय नर्तकी कहाँ पर प्राप्त होती हैं? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय त्रैवार्षिक चित्रकला प्रदर्शनी अथवा त्रिनालय का इस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था?
1968 में दिल्ली निवासी तथा शिल्पकला विषय में लिखने वाली वह महिला जो विवोन सुंदरम की पत्नी है। विवोन सुंदरम की पत्नी गीता कपूर है। पंजाब यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक जो कला इतिहासकार भी हैं, वी एन गोस्वामी, शक्ति वर्मन, डब्ल्यू जी आचार्य, फिर गुलाम मोहम्मद शेख। सो हियर द राइट आंसर इज ए, बी एन गोस्वामी। तत्कालीन ब्रितानी एकेडमी चित्रकला से कौन प्रभावित थे? ब्रितानी एकेडमी से इन्फ्लुएंस थे आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा। ओके, मुगल दरबारी चित्रकला में प्रयुक्त बादलों के अंकन में से किस कला का प्रभाव दिखाई देता है? बादलों के अंकन में किस कला का प्रभाव? चीनी, ईरानी, भारतीय, फिर ब्रिटिश। सो हियर द राइट आंसर इज ए, चीनी। किसने रविन्द्रनाथ टैगोर की कट काट कुट डुडलिंग वाली कला को बच्चों की बहलाने वाली लोरी की लहर बताए थे? तो ये स्टेटमेंट नंदलाल बसु ने कहा है, राइट। एंड द नेक्स्ट वन, तुजुके बाबरी के लेखक कौन कहे जाएंगे? तुजुके बाबरी, बाबरनामा, इसका बाबर ने स्वयं लिखा था, इनकी अपनी ऑटोबायोग्राफी है, बट इसका ट्रांसफॉर्म किया गया था तुर्की भाषा में, तो बाबर ने स्वयं लिखा, लेकिन इसका फारसी अनुवाद किसने किया? फारसी अनुवाद किए हैं अब्दुल रहीम खानम खाना ने। टोटल 44 आर्टिस्ट ने मिलकर 144 पेंटिंग बनाए हैं, 48 आर्टिस्ट ने मिलकर। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में पंचतंत्र का अनुवाद किस नाम से किया गया था? पंचतंत्र का अनुवाद किया गया है अनवरे सुहेली। चित्रकला के जिस संस्थान मुगल का बीजारोपण अकबर ने किया था वह किसके समय में यवन व विकास को डेवलप करता है? जहांगीर, शाहजहां, दारा शिको या फिर औरंगजेब। जहांगीर के टाइम ड्यूरेशन में, राइट। नेक्स्ट, किसके चित्रों की फर्स्ट एग्जीबिशन 1930 के टाइम ड्यूरेशन में हुई थी? राजा रवि वर्मा, अवनीनाथ टैगोर, अमिताभ शेगल या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। और किया किसने था ये फर्स्ट एग्जीबिशन? पिगाल आर्ट गैलरी में, पेरिस में, राजा रवि वर्मा ने। इम्पॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखिएगा। प्रेमचंद्र के सुपुत्र व कहानी पत्रिका के संपादक जो एक कुशल चित्रकार भी थे, श्रीपत रॉय, सहोदर रॉय, रघुचंद्र या फिर प्रकाश चंद्र। सो हियर द राइट आंसर इज ए, श्रीपत रॉय। ओके, किसके कला में स्त्रियों की आंखें मछली जैसी हैं? एज लाइक दिस, रामकुमार, परितोष सेन, आनंदी प्रसाद बादल या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। सो हियर द राइट आंसर इज सी, आनंदी प्रसाद बादल। इम्पॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट, ब्लू पीरियड पेंटिंग्स की जो शैली है उसका सूत्रपात किसने किया था? ब्लू पीरियड चित्र शैली का सूत्रपात मोने, सोरेट, रेनॉयर या फिर पैब्लो पिकासो। पैब्लो पिकासो ने किया है। देखिए, इनका दो पीरियड था, एक पिंक पीरियड और दूसरा ब्लू पीरियड। पिंक पीरियड 1904 तक, 4 से लेकर 5 तक का कहा जाता है। ब्लू पीरियड 1901 से लेकर 4 तक का, दोनों इम्पॉर्टेंट है। इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग ग्रंथ किसकी है? इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग्स, पैब्लो पिकासो, ईवी हैवेल, जॉर्ज सोरेट या फिर स्टेला क्रैमरिश। तो ये पुस्तक है ईवी हैवेल, अर्नेस्ट बेनेफिल्ड हैवेल की। द एक्रोबैट्स
फैमिली विद द मंकी 1905 शीर्षक सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाए थे? तो ये फेमस पेंटिंग सजान, पॉल क्लेर, पैब्लो पिकासो या फिर जॉर्ज ब्रॉक। द एक्रोबैट्स फैमिली विद द मंकी इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है, किसके थ्रू कंप्लीट की गई? पैब्लो पिकासो। कोई भी कला कभी भी शब्दों की इतनी मोहताज नहीं रही जितनी कि मौन भौतिकता की धरोहर। ये कृतियाँ जितना ही उनमें दृष्टिवत कम है उतना ही व्यक्त अधिक है। ये स्टेटमेंट किसने दिए थे? रोजेनबर्ग हॉरल्ड ने ये स्टेटमेंट दिया है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, तपती नाटक का अंतिम दृश्य कागज़ पर वॉश एंड टेम्परा में बनाया गया था, किसके थ्रू? तपती नाटक का अंतिम दृश्य वॉश एंड टेम्परा, राजा रवि वर्मा, अवनीश टैगोर, नंदलाल बसु या फिर राम किंकर बैज। तपती नाटक का अंतिम दृश्य ये फेमस पेंटिंग है अवनीश टैगोर की। ऑयल कलर्स में बनाई गई तुलिका किसकी पेंटिंग्स? व्हाट ऑयल कलर्स में कैसे ब्रशेस का यूज़ करते हैं? तुलिका दैट मींस ब्रश, तो मोस्टली ऑयल कलर में हॉग हेयर ब्रश का यूज़ किया जाता है और सेबल हेयर ब्रश का यूज़ किया जाता है वाटर कलर में। इनका यूज़ वाटर कलर में मोस्टली किया जाता है। ओके एवरीवन, एंड द नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन से तीन रंग द्वितीयक रंगते कही गई हैं, लाइक सेकेंडरी कलर्स? नारंगी, हरा, बैगनी, नारंगी लाल हरा, नारंगी लाल नीला या फिर लाल नीला पीला। प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं? रेड, येलो, ब्लू। जब आप इन प्राइमरी को मिलाते हैं, रेड येलो ब्लू, रेड येलो मिक्स किया ऑरेंज बना, येलो ब्लू मिक्स किए तो आपका बन जाएगा कौन सा कलर? ग्रीन। ब्लू और रेड मिक्स करने पे वॉलेट। तो जो प्राइमरी कलर्स तो ये तीनों हैं, फिर इन दोनों को मिलाकर ये तीन बन गए सेकेंडरी कलर्स, ग्रीन, ऑरेंज, ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, अब आप इनको फॉलो कीजिएगा तो आपको इतना रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनमें से कौन सी कला अनिवार्यतः धर्म से जुड़ी हुई नहीं है? तो रिलीजियस को कौन सी कला फॉलो नहीं करती हैं? वर्ली आर्ट इट्स नॉट डिपिक्टेड ऑन रिलीजियस, ये बेसिकली फोक आर्ट है ना, फोक एंड ट्राइबल, तो ये पर्टिकुलर किसी रिलीजियस से जुड़ी हुई कला नहीं कही जाएंगी। एंड द नेक्स्ट वन, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय न्यू दिल्ली में सुरक्षित लक्ष्मी कागज पर टेम्परा किसका रहा था? लक्ष्मी, अवनीश टैगोर, राजा रवि वर्मा, क्षितिनाथ मजूमदार या फिर के वेंकटप्पा। बताइए लक्ष्मी किसकी है? क्षितिनाथ मजूमदार। तर्पण इज अ वेरी पॉपुलर, तर्पण ऑयल कलर वाटर कलर्स ऑन पेपर्स पे बनाई गई हैं, किसके थ्रू? क्षितिनाथ मजूमदार, हरेंद्र, अवनीश टैगोर या फिर मुकुल चंद्र डे। सो हियर द राइट आंसर इज विच वन, सेलेक्ट कीजिए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तर्पण मुकुल चंद्र डे के थ्रू रिप्रेजेंट की गई हैं। किसके प्रारंभिक टेराकोटा उभार, ठीक है थोड़ा रिलीफ में, कार्य और चित्र युद्धों के विरुद्ध क्रूरता के विपरीत प्रतिक्रिया स्वरूप हिंसक भाव को आवेशित किया गया था? के जी सुब्रमण्यम के थ्रू। ओके, कौन कालीघाट चित्रण के सुनम्य सुलेख रेखाओं को रिप्रेजेंट करते थे? यामिनी रंजन रॉय। यू नो ऑफकोर्स यामिनी रंजन रॉय, ही वॉज ऑल्सो द पॉपुलर फॉर कालीघाट एंड फेवरेट माधव टेम्परा। कृष्ण और बलराम कैनवस पर टेम्परा टेक्निक किसका है? कृष्ण और बलराम।
यामिनी रंजन रॉय का ही है। निम्नलिखित में से किस काल में संकेत रिलीफ का बहुत अधिक यूज़ किया गया था? संकेत रिलीफ, जापनीज आर्ट, मिश्र, चीनी या फिर शुंग कला? मिश्र आर्ट में संकेतिक रिलीफ का फॉलो देखने को मिलेगा। अजंता की किस गुफा के गर्भगृह के मध्य में धर्मचक्र प्रवर्तक? वैसे तो धर्मचक्र प्रवर्तक वन में भी है, बट यहाँ अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करेक्ट करना होगा। सो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट, मिर्ज़ापुर क्षेत्र के किन पहाड़ियों में प्रागैतिहासिक गुफा चित्र मिलते हैं? श्यामला पहाड़ियों में, कबरा पहाड़ियों में, कैमूर पहाड़ियों में? तो मिर्ज़ापुर जो है वो बेसिकली कैमूर की पहाड़ी है। कबरा पहाड़ तो आपका रॉयगढ़ में हो जाएगा ना। नेक्स्ट, महामहिष की पेंटिंग्स जिसकी साइज़ है 10 फीट लंबाई और 6 फीट चौड़ाई, महामहिष आपको होशंगाबाद आदमगढ़ में देखने को मिल जाएगा। गायिकाएं, एक फेमस पेंटिंग बाघ के किस नंबर की गुफा में चित्रित की गई है? बाघ गुफा जिसकी खोज 1818 में डेंजरफील्ड ने की थी। टोटल यहाँ पे 9 गुफाएं हैं। गायिकाएं अथवा संगीत मंडली बाघ की किस गुफा के समान है, किस गुफा के सामने ये अवेलेबल हैं? तो केव नंबर 4 और 5 के बरामदे में मोस्टली पेंटिंग ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिली हैं। दैट मीन्स कि ये केव नंबर 4 की कही जाएंगी। पूर्व मध्यकालीन कला पाल जैन में कौन सी विशेषता नहीं यूज़ की गई हैं? चित्रों में लय और गति का पूर्ण अभाव, चित्र लय तथा गतिपूर्ण। नेक्स्ट, चित्रों में भाव का पूर्ण अभाव या फिर उपयुक्त सभी। सो हियर द राइट आंसर इज विच वन? तो यू कैन सेलेक्टेड इट, राइट आंसर इज सी, चित्रों में भावों का पूर्ण अभाव। किशनगढ़ शैली में नायिका के कितने रूप को शो किया गया जाता है? किस रूप में नायिका को, एज लाइक बनी ठनी या फिर राधा? बनी ठनी, राधा के रूप में, ठीक है। जयपुर के किस, जयपुर कौन से शैली का है? तो देखिए, मेवाड़ है, मारवाड़ है, हंडौती है और डुंडार है। मेवाड़ के उपकेंद्र हैं उदयपुर, नाथद्वार, देवगढ़, चित्तौड़, चावन, शाहपुरा, प्रतापगढ़। मारवाड़ का कौन कौन सा कहा जाएगा? तो मारवाड़ का आपका हो जाएगा जयपुर, किशनगढ़, अजमेर और नागौर, बीकानेर, ये सारे आपके मारवाड़ में। हणौती का 3 है, कोटा, बूंदी एंड झालावाड़। और डुंडार के आपके हो जाएंगे जोधपुर, अलवर, उनियारा, शेखावटी। तो कछवाहा वंश, हणौती का जो वंश था वो कछवाहा वंश था। राग रागिनी की जो पेंटिंग्स को शो की गई हैं वो किस शैली में? तो मोस्टली राग रागिनी की पेंटिंग आपको देखने को मिल जाएंगी राजस्थानी शैली की। एक्चुअल में किस शैली में? बूंदी शैली में। एक है राग दीपक और दूसरी है रागिनी भैरव। राग दीपक है भारत कला भवन बनारस, रागिनी भैरव है इलाहाबाद में। वैन एक्चुअल में किसको कहा जाता है? वैन इज द पार्ट ऑफ टेक्सचर। टेक्सचर किसको कहते हैं? वस्तु से वस्तु की आंतरिक रचना, वस्तुओं की बाहरी त्वचा या परत, या फिर वस्तु से व्याप्त अलंकरण। वयन एज लाइक टेक्सचर, वस्तुओं की बाहरी त्वचा या परत को कहा जाता है। चित्र में स्थिति लागो क्या होता है? दूरदृष्टि लघुता जिनको कहा जाएगा। स्थिति में, चित्र पेंटिंग्स में स्थिति लागो क्या होता है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो स्थिति लागो कहते हैं मोटाई को, उसकी थिकनेस को। ओके एवरीवन,
एंड द नेक्स्ट वन, एक चित्र में कितनी भूमि कितने ग्राउंड को शो किया जाता है? एटलीस्ट वन पेंटिंग्स इन शो ऑन अ थ्री ग्राउंड्स, नॉर्मली तीन होते हैं, डिवाइडेशन उसका पूछा जा रहा है। फ्रेस्को सेको चित्रण की किस प्रकार की भित्ति का उपयोग किया जाता था? फ्रेस्को सेको में शुष्क भित्ति का यूज़ करते थे। लय किससे रिलेट किया जाएगा? लय एक्चुअल में, लय इज़ द पार्ट ऑफ मूवमेंट, गति का क्रम है। संवाहक व्हीकल का प्रयोग किया जाता है, व्हीकल का यूज़ कहाँ किया जाता है? तैल रंग, जल रंग, पेस्टल या फिर कहाँ नहीं किया जाता है पूछा जा रहा है। ऑयल में भी किया जाता है बाइंडर का, वाटर कलर में भी, टेम्परा में, बट पेस्टल्स में नहीं किया जाता है। पेस्टल जिसकी खोज किए थे रुसलवा कैरी योला ने। एंड द नेक्स्ट वन, इनमें से कौन सा रंग प्राइमरी कलर्स कहा जाता है, प्राथमिक रंग? प्राथमिक रंग आपका है रेड, येलो एंड ब्लू, तो सेलेक्ट कीजिए। नीला प्राथमिक है, हरा, बैंगनी और नारंगी ये आपका हो जाएगा सेकेंडरी कलर, ये सारे आपके सेकेंडरी कलर्स शो होंगे। कौन सा तत्व षडांग में नहीं इंक्लूडेड किया जाता है? रूपा भेदा, षडांग का एक्चुअल थ्योरी हमने बताया था, रूपा भेदा, प्रमाण भाव, लावण्य योजना, सादृश्यम एंड वर्णिका भंग। प्रमाण, अंतराल, लावण्य या फिर रूप भेद, षडांग में आपका अंतराल नहीं आएगा। अंतराल इज द पार्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, ये आपका तत्वों के सिद्धांत में यूज किया जाएगा, इसलिए ये नहीं हो सकता। आदर्श मनुष्याकृति के लिए भारत में कौन सा ताल मान यूज किया जाता है? आदर्श मानवाकृति के लिए नौ ताल, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के हैं? सबसे ज़्यादा आपको हंटिंग सीन्स के पेंटिंग्स देखने को मिलेंगे। नील नदी के वरदान की जो सभ्यता है वो कौन सी कही जाएंगी? नील नदी का वरदान दैट मीन्स कि मिश्र की सभ्यता, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि मेसोपोटामिया यूफ्रेटिस और टिग्रिस रिवर के बिहाइंड में। बादामी की खोज का श्रेय किसको जाता है? स्टेला क्रैमरिच ने खोज किया, तीन टाइम बताया जाता है, 1924, 1934 या फिर 1935 समथिंग। डेंजरफील्ड इनका टाइम ड्यूरेशन आपका कहा जाएगा 1818 डेंजरफील्ड ने खोज किए थे बाघ की गुफा का। अलेक्जेंडर और मिस्टर मूरे आपके हो जाएंगे सिगिरिया। एंड द नेक्स्ट वन, स्पेन की अल्तामिरा गुफा में किस जानवर की पेंटिंग्स को सबसे ज़्यादा शो की गई हैं? जंगली बायसन, स्पेन, अल्तामिरा, अल्तामिरा जिसकी खोज 1879 में एक 7 या 12 वर्षीय छोटी बेबी ने खोज किया। 1958 के टाइम ड्यूरेशन में भीमबेटका गुफा के पेंटिंग्स का जो डेवलपमेंट हुआ था उसका सर्वप्रथम खोज किसको जाता है? उज्जैन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वी एस वाकड़कर। यहाँ पर टोटल 275 पेंटिंग्स हैं और 600 केव्स हैं। 2003 में इसको यूनेस्को में भी सम्मिलित किया गया। एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर बिहार? एलोरा की गुफाएं किस राज्य में हैं? राज्य पूछा जा रहा है, महाराष्ट्र में है। अगर पूछ लिया जाए एलोरा की गुफा में कितनी गुफाएं हैं तो ये भी याद रखिएगा, 7। जोगीमारा की पेंटिंग्स मोस्टली कहाँ पर मिलती हैं? ज़्यादा से ज़्यादा जोगीमारा की पेंटिंग्स आपको देखने को मिल जाएंगी टेरेस, छत पर। जब आपको ऑप्शन में छत दिखेगा सीलिंग्स तो ऑफकोर्स यही सही होना है, देन अगर आपको ऑप्शन में ये ना दिखे तो पृष्ठभूमि सफ़ेद, उस पर जो फ्लावर्स पेंटिंग्स बनाई गई हैं वो रेड कलर, आउटलाइनिंग ब्लैक कलर से की गई हैं और हाशिए बनाए गए थे येलो कलर से।
अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है? म्यूरल फ्रेस्को, एलियोफिक ग्राफिक्स। अजंता चित्रकला का एक्चुअल माध्यम है माध्यम पूछे जा रहा है, ठीक है? तो माध्यम कौन सा कहलाएगा? फ्रेस्कोस। अभी फ्रेस्को सेक्को। पाल पांडुलिपि की अधिकांश आधारित चित्र आपको देखने हैं। बेसिकली पाल जो है वो बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है, दैट मीन्स बौद्ध मत से। जैन अपभ्रंश चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत बताएं। जैन अपभ्रंश चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत पंचदशी, धम्मपद, कामसूत्र या फिर कल्पसूत्र। जैन अभ्रंश के जो आपको एक्चुअल ग्रंथ यहाँ पे देखने को मिलेंगे वो कल्पसूत्र कहे जाएंगे। कल्पसूत्र जिसके लेखक हैं भद्रबाहु। और कल्पसूत्र कौन कौन सा सबसे सर्वश्रेष्ठ है? फॉर एग्जांपल, एक तो 1418 का याद रखिएगा, राजस्थान में चित्रित हुआ था। 1380 में गुजरात में चित्रित हुआ। 1439 में मांडू में चित्रित हुआ। और 1465 में ये कहाँ पर चित्रित किया गया था? तो 1465 वाला आपका हो जाएगा सबसे सर्वश्रेष्ठ, जौनपुर में। राजा उम्मेद सिंह ने किस शैली को मौलिकता प्रदान की? बूंदी, किशनगढ़, कोटा या फिर अलवर। तो देखिए, उम्मेद सिंह का टाइम ड्यूरेशन जो डेवलपमेंट का रहा था वो किस किंग के समय में कहा जाएगा? हंटिंग सीन, कोटा शैली। राजपूत शैली किसका सम्मिश्रण है? राजस्थानी प्लस पहाड़ी के मिक्सचर को राजपूत शैली कहा जाता है। ओके, एंड द नेक्स्ट वन, मुगल शैली में कलर्स को यूज़ किए जाते थे। मुगल शैली में कैसे कलर्स यूज़ किए गए हैं? फूलों से, खनिजों से, पत्तियों से या फिर इनमें से कोई नहीं। मुगल शैली में कलर्स यूज़ किए जाते थे, ज़्यादा प्रायोरिटी खनिज रंगों को दी जाती हैं, और वैसे मोस्टली सभी कलर्स को यूज़ किए गए थे। 3 कलर्स मोस्टली पॉपुलर है मुगल स्कूल में। एक आपका मिनरल्स कलर, दूसरा नेचुरल कलर, तीसरा केमिकल कलर्स। मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों के पोषक कहे जाएंगे? हिंदू विषयों के पोषक बाबर, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां। अकबर। महाराजा संसार चंद्र ने निम्न में से किस शैली को संरक्षण प्रदान किया? किशनगढ़, पहाड़ी, मुगल या फिर राजपूत। सो हियर द राइट आंसर इज बी, पहाड़ी शैली को। और पहाड़ी का कौन सा शैली? कांगड़ा। कंपनी शैली की भारतीय केंद्रों के प्रसिद्ध रहे थे? पटना। आपको पता है पटना को कंपनी शैली नेम डिटरमाइन किसने दिया था? रॉय कृष्णदास ने। रॉय कृष्णदास जैसे राजस्थानी शैली को राजस्थानी शैली कहा, अभ्रंश शैली को अभ्रंश शैली कहा, वैसे ही कंपनी शैली को भी इन्होंने कंपनी शैली के नेम से ही डिटरमाइन किया। छोटे छोटे रंगीन कांच के टुकड़ों से धरातलीय अलंकरण के मणिकुट्टीम मोज़ेक कार्य आपको देखने को मिल जाएगा बाइजेंटाइन की कला में, ठीक है? मोज़ेक आर्ट बाइजेंटाइन टाइम ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। क्या करते हैं? छोटे छोटे स्टोन्स को ब्रेक करके पेस्ट किया जाता है, तोड़ कर चिपकाना। किसने 1849 में लोरेंजो तथा इसाबेला को कैनवस पर रिप्रेजेंट कर दिया था? जॉन एवरेस्ट मिलर्स ने, ठीक है? जॉन एवरेस्ट मिलर्स। उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्ध में जो चित्रकला आंदोलन प्राचीन शास्त्रीय कला की प्रेरणा लेकर चला वह कौन सी कला कही जाएंगी? नियो क्लासिज्म, नौशास्त्रीयतावाद। हॉलैंड के किस चित्रकार ने रात्रि का प्रहर द नाइट वॉच रिप्रेजेंट किया? वो भी 1642 में, रेम्ब्रांड इज द ग्रेट आर्टिस्ट, इन्होंने बनाए थे। बरूक चित्रशैली के प्रमुख आर्टिस्ट कौन कहे जाएंगे? बरूक चित्रशैली के रिबेंस, अल्बर्ट ड्यूरर, गुस्टाव कॉर्बेट या फिर डोमी है। बरूक चित्रशैली के सर्वश्रेष्ठ कलाकार हैं
अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस रूबेंस। अल्बर्ट ड्यूरर जर्मन के हैं, दोमिए हो गए रियलिज्म, गिस्टर कॉर्बेट ऑल्सो फाउंडर ऑफ द रियलिज्म आर्ट मूवमेंट। रहस्यात्मक तथा उत्तेजक विषय का जॉर्जियानो द्वारा अंकित प्रसिद्ध चित्र कौन सा कहा जाएगा? तो इनका प्रसिद्ध चित्र है द टेम्पेस्ट, जिसको हिंदी में आंधी भी कहा जाता है। षड्यंत्रकारियों ने महल से रानी को निकाल दिया था, तो रानी धाई का रूप धारण करके अपने बच्चे को लेकर राजा से मिलने को जाती है, उसी स्टोरीज को इसमें कैप्चर किया गया है। द बर्थ ऑफ वीनस 1484 to 1486 के टाइम ड्यूरेशन में शीर्षक चित्र, जिसमें मध्य में कोमलांगी कामिली के रूप में देवी, प्रेम की देवी वीनस को समुद्र में से प्रकट होते हुए दिखाया गया है। ये फेमस पेंटिंग किसकी है? बोटिशेली की है। बोटिशेली ही वॉज बिलोंग टू अर्ली रिनेसेंस आर्टिस्ट। पेरो दे ला फ्रांसेस्को पाओलो चेलो फिलिप्पो लिप्पे ऑल्सो बोथ आर अर्ली रिनेसेंस आर्टिस्ट। फ्लोरेंस के प्रथम महान शिल्पी और माइकल एंजिलो से पहले 15वीं शती के सर्वाधिक प्रभाववादी मूर्तिकार कौन कहे जाएंगे? दोनातेलो। दोनातेलो ने डेविड बनाए थे कांस्य में और उसके साथ साथ मार्बल में भी। लियोनार्डो द विंसी का सबसे अधिक चर्चित पेंटिंग्स, ऑफकोर्स सबसे ज़्यादा इनकी पॉपुलर पेंटिंग्स थी मोनालिसा, जिसको कंप्लीट किया गया था 1401 to 1404 तक के टाइम ड्यूरेशन में। लाजियो कोंडा के रिफ्लेक्शन को शो किया गया रेड कलर के पॉपुलर वुड पर बनाई गई है, टोन रेड कलर का है, बैकग्राउंड में लैंडस्केप्स। नेक्स्ट, मेरा नाम जोकर किसकी फिल्म है? राज कपूर, सत्यजीत रॉय, ऋत्विक घटक या फिर कोई नहीं? मेरा नाम जोकर है, राज कपूर की। ओके, निम्नलिखित में से एक फोटोग्राफर को आपको सिलेक्ट करना है, प्रशून जोशी, प्रदीप सरकार, शाहिद कपूर या फिर अविनाश पसरीचा। सो हियर द राइट आंसर इज डी, अविनाश पसरीचा। सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध की जो स्कल्पचर्स मिली हुई हैं वो ब्रॉन्ज में प्रेजेंटली कहाँ पर ये एग्जिबिट है? बंघीमंस म्यूजियम बंघीम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, सेरिग्राफी शब्द निम्नलिखित में से किस प्रकार की छपाई के लिए प्रयुक्त किया गया था? सेरिग्राफी इज द पार्ट ऑफ सिल्क स्क्रीन। सिटी स्क्वायर 1948 की बहुत फेमस है, यूजीसी नेट में ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन, अल्बर्टो जियाकोमेट्टी का है सिटी स्क्वायर। शाहजहां का गुजरना 1909 के टाइम ड्यूरेशन में किसकी फेमस पेंटिंग है? शाहजहां का गुजरना रविन्द्रनाथ टैगोर की। कुतुब परिसर महरौली दिल्ली में अवस्थित प्रसिद्ध इंडो इस्लामिक स्मारक के प्रांगण में और कौन सा स्मारक प्रेजेंटली है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा, चांद दरवाजा, चार मीनार या फिर कुवतुल उल इस्लाम मस्जिद। सो हियर द राइट आंसर इज डी, कुवतुल उल इस्लाम मॉस्क्यू। रसमंजरी श्रृंखला का चित्रण देवीदास ने चित्रित किया। देवीदास रसमंजरी है भानुदत्त की, यह है किसकी? तो भानुदत्त की है। और चित्रित किसने किया? देवीदास। देवीदास बिलोंग करते हैं बसौली शैली से। इन्होंने चित्रित किया, प्रेजेंटली ये कहाँ पर एग्जिबिट है? भारत कला भवन वाराणसी में। मातृ देवी मदर गॉडेस की जो मृणमूर्ति बनाई गई हैं वो किस मटेरियल्स में बनाई गई थी? मदर गॉडेस मातृ देवी की क्ले में बनाई गई थी, वो भी कौन सी पद्धति? चिकोटी पद्धति में। तब आपको सेलेक्ट करना है कि एक्चुअल इसकी हिस्ट्री की कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से। इसका साइज़ है 22x8x5। साइज भी याद रखिएगा, सेंटीमीटर में साइज है। कान पर पट्टी बांधे स्वयं का पोर्ट्रेट्स, जिन्होंने अपना कान काटकर अपनी लवर्स को गिफ्ट कर दिया था, विंसेंट वैन गॉग की है। नेक्स्ट,
वर्ड बेसिकली क्या होता है, कलर्स को कहा जाता है। तो वर्ड क्या है, व्हाट इज रेज ऑफ कलर्स, कलर्स क्या है, व्हाट इज कलर्स, तो कलर्स इज द रेज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण हैं। आर्यश्विष्ट कौन थे, आर्यश्विष्ट ही वॉज बिलोंग टू इंडियन कंटेम्परी आर्टिस्ट। इनका फुल फॉर्म तो पता होगा ना आपको, आर्यश्विष्ट का फुल फॉर्म है रणवीर सिंह विष्ट। ये एक फेमस समकालीन आर्टिस्ट है, यूपी के कलाकार इनको कहा जाता है। लतिका कट का संबंध किससे रहा था, लतिका कट का चित्रकला, ग्राफिक कला, मूर्तिकला या फिर स्थापत्य कला, लतिका कट का संबंध है। ये हैं बालबीर सिंह कट की मिसेस, दैट मीन्स ऑफकोर्स स्कल्पचर की फिल्में पॉपुलर होंगी। चंडीगढ़ का प्रसिद्ध रॉक गार्डन, रॉक गार्डन है चंडीगढ़ में, नेक चंद्र सैनी ने डिज़ाइन किया इनको चंडीगढ़ का, नेक चंद्र सैनी को रॉक गार्डन के थ्रू। इनको प्रथम इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट कहा जाता है, जनक, जनक कहा जाता है। और प्रथम भारत का इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट कहा जाता है विवान सुंदरम को, विवान सुंदरम राइट। और ली कॉर्बूज़िए कौन थे, तो इन्होंने चंडीगढ़ सिटी को डिज़ाइन किया। एक्रेलिक कलर्स में यूज़ किए गए थे कौन से कलर्स, आपको पता है एक्रेलिक कलर्स की हिस्ट्री, 1950 ईस्वी में भारत में पहली बार सतीश गुजराल ने सर्वप्रथम यूज़ किया। यूरोप में बात किया जाए तो संडे ग्रुप और लैटिन ग्रुप के थ्रू यूरोप में इसका डेवलपमेंट मिलता है, जल्दी सूखने के कारण, इसमें रेजिन मिक्स्ड होता है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अजंता की गुफा संख्या एक की चित्रकारी, तो डायरेक्टली से आप पहले टाइम निकालिए, 200 से लेकर 628 का टाइम कहा जाता है, जिनमें से पहले दूसरा सबसे नवीन गुफा है, 1617 मिडल का गुफा है, और 9 और 10 सबसे प्राचीन है। तो सबसे पहले 9-10 का टाइम है, 200 से लेकर 300 तक का, 1617 का टाइम है 350 से लेकर 475 या फिर 500 तक का, 1-2 का टाइम है 500 से लेकर 628 तक का। ओके, सो हियर द राइट आंसर इज विच वन, इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा, छठी सती। क्यों छठी सती, ऑफकोर्स भाई जब वन है तो वन आपका यहाँ है, 500 से 628, 628 तो छठी, एक सेकेंड सॉरी, सातवीं सती, ठीक है बी करेक्ट हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू थ्योरीज, 628 दैट मीन्स कि सातवीं सती में कंक्लूड हो जाएगा। फोटो की कतरन से बना चित्र क्या कहलाता है, फोटो की कतरनों से बनी हुई पेंटिंग्स को कोलैज कहते हैं। इसकी थ्योरी है 1912 ईस्वी में क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट में डेवलप्ड हुआ था, पाब्लो पिकासो जॉर्ज ब्रॉक के थ्रू। भारत का वह स्थान जो कांच की चित्रकारी के लिए, ग्लास पेंटिंग के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तंजौर तमिलनाडु। रेखा वाली पुस्तक के लेखक कौन है, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ खन्ना, अशोक भौमिक, अशोक वाजपेयी, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल। ओके, एंड नेक्स्ट, भिक्षुक बुद्ध 5वीं शती में, ये भित्ति चित्र अजंता की किस गुफा में बनाई गई थी, भिक्षुक बुद्ध वो भी 5वीं शती की, केव नंबर 17, भिक्षा मांगते हुए, राहुल समर्पण वाली ही पेंटिंग के अलग अलग नेम्स हैं। गिरुए रंग में अंकित आहत सुअर, नवपाषाण युग में कहाँ पर ये पेंटिंग्स को कैप्चर किया गया, फोर ऑप्शंस हैं, और ये फोर ऑप्शंस में सभी जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सारे प्रागैतिहासिक काल से ही रिलेटेड हैं। उपकेन मिर्ज़ापुर, जिसकी खोज सबसे पहले 1880 ईस्वी में हुई थी, भारत में सर्वप्रथम मिर्ज़ापुर से ही ये डेवलपमेंट मिलता है। एंड द नेक्स्ट, खुदाबख्श पुस्तकालय, खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी कहाँ है, पटना में। आज की भारतीय चित्रकला उन्मुख है, भारतीय पारंपरिक कला शैली की ओर आपको सेलेक्ट करना है, या फिर एकेडमी शैली की ओर, अमूर्त की ओर, या फिर प्रतीकवादी की ओर। सो हियर द राइट आंसर इज सी, अमूर्त शैली की ओर। ओके,
डॉक्टर जगदीश गुप्त विशेषज्ञ पॉपुलर रहे थे किस फील्ड में? प्रागैतिहासिक, इनकी पुस्तक है प्रागैतिहासिक चित्रकला। शुंगकालीन उदयगिरी व खंडगिरी की गुफाएं, ये भुवनेश्वर में है। एक सिर्फ उदयगिरी की गुफा जो ब्राह्मण धर्म से संबंधित कही जाती हैं, ब्राह्मण धर्म से संबंधित। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफा भुवनेश्वर में है और ये जैन धर्म से संबंधित है। अजंता की प्राचीनतम चैत्य गुफा कौन सी है? अजंता की प्राचीनतम चैत्य गुफाएं, केव नंबर 10 को ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती हैं। वैसे तो 9 भी हो सकता है, बट केव को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है, 10 केव को। भारतीय चित्रकला का गोल्डन एज, गोल्डन एज आपको देखने को मिल जाएगा अजंता जोगीमारा पाल या फिर भीमबेटका। ऑफकोर्स अजंता। हौसलेश्वर हौसल मंदिर जो है ये द्रविड़ शैली का है या बेसर शैली, बेसर शैली का है। चित्रकला की दृष्टि से बादामी की कौन सी गुफा महत्वपूर्ण है? तो पेंटिंग की पर्पज से बादामी की सबसे महत्वपूर्ण गुफा कौन सी कही जाएंगी? चित्रकला की दृष्टि से बादामी की सबसे इम्पोर्टेंट केव्स हैं, सेलेक्ट कीजिए। थर्ड नंबर की, क्योंकि बादामी की तीसरे नंबर वाली गुफा सबसे बड़ी गुफा भी कही गई है, सबसे ज़्यादा पेंटिंग्स यहीं मिली। सबसे छोटी गुफा केव नंबर 2 है बादामी की। बादामी की गुफा कर्नाटक आईहोल बीजापुर में है। भारत कला भवन वाराणसी के प्रथम एवं आजीवन निदेशक रॉय कृष्ण दास थे। इसके प्रथम एवं आजीवन सभापति अध्यक्ष कौन चुने गए थे? रविंद्रनाथ टैगोर। एंड हियर द लास्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध लेखक समीक्षक और संस्कृत कर्मी रहे थे, कौन रहे थे? कृष्ण नारायण कक्कड़। मेक श्योर कि आपको आज की क्लासेस अच्छी लगी होंगी। आफ्टर दिस क्लास सभी लोग सब्सक्राइब, तो मुझे पता है ऑलमोस्ट सभी ने कर रखा है, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा एंड गिवन ए क्यूट फीडबैक, अच्छा सा प्यार सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, जिससे इस तरह के मोटिवेशनल वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। ओके एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल्सो बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम।